कर्जा पैसा बाहर से लेना पड़ता था, ये जो पहले का पैसा जमा करके रखी है वो पैसे में से पैसा निकालना पड़ता है, महीने का खर्च नहीं चल रहा है, घर की स्थिति खराब है, गहना गिरवी रखना पड़ता है, कर्जा पैसा लेना पड़ता है, क्योंकि लाइट तो जलाना है, गैस तो चलाना है, तेल तो लेना पड़ेगा, पानी में तो सब्जी नहीं बनेगा और हवा में तो चूल्हा नहीं जलेगा, उसके लिए तो गैस टंकी लेना पड़ेगा, बिजली बिल भी बटन चलाए और बिजली कनेक्शन नहीं रहेगा, बटन चलाओगे तो बल्ब जलने वाला नहीं है, तो ये तो जरूरी चीज है, ये हमारे जीवन को चलाता है, ये हमारे जीवन को चलाएगा, और जीवन चलाने वाली कोई चीज होगी उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज कोई समझौता नहीं कर सकता आदमी, बच्चे को तो खाना भी देना है, पढ़ाई भी देना है, उसको रखना भी अच्छे से है, तो कर्जा पैसा लेता है आदमी, गरीब आदमी, और कर्जा में कर्जा और कर्जा में कर्जा, कर्जा में कर्जा में डूब जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी आपको कर्जा में डालने के लिए आई है, अगर कर्जा में नहीं रहना है तो घर घर जाकर जरूर घर घर जाइए, और हमारे पास 9 दिन है, इस 9 दिन में घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेला पार्टी है इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को वापस उनके घर भेजेगी, कोई दूसरी पार्टी ये काम नहीं कर सकती, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ये काम कर पाएगी, ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हम सब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव का टिकट बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबको मिला है, आपने देख लिया देश और दुनिया में क्या है, 5 जो स्टेट में चुनाव हो रहे हैं उन स्टेट्स के चुनाव में जाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव लड़ने वाले लोग जो विधायक हैं या जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको घुसने नहीं दे रहे लोग, क्योंकि झूठा वादा किया 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा और 15 पैसा भी नहीं आया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगाने की बात कही थी, क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगा, और कोरोना में जो छोटा मोटा काम था वो भी बंद हो गया, तो देश की ये स्थिति है, पूरी देश की स्थिति को खराब अगर किसी ने किया है, अच्छा जनता जाती है और जनता बात करती है कि आप खाने का तेल महंगा क्यों कर दिए, जनता बात करती है, जनता ओ नेताजी, जनता जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जाकर बात करती है कि खाने का तेल महंगा क्यों, तो वो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करो, आप बोलोगे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया तो वहां पर कर्नाटक में वो समस्या हो गई, आप बात करोगे कि पेट्रोल डीजल का दाम क्यों बढ़ा दिए तो वो बात करते हैं वहां मंदिर बन गया, वहां मस्जिद बन गया, वहां गिरजाघर बन गया, गुरुद्वारा बन गया, वो इस देश के लोगों को जो असल मुद्दा है, जो असल बात है, जो हक है, अधिकार है, जब कोई जनता उसकी बात करने जाती है तो वो बात करते हैं मंदिर बना लो, तब वो बात करेंगे पेट्रोल डीजल में, पेट्रोल डीजल की बात करोगे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के दंगे की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का काम